हिमाद्री धत्री जी, आपको भी लगता है कि हिंदुत्व ही लिंचिंग सिखाता है, जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब इंडिकेट कर रहे हैं? आज मैं लड़ना नहीं चाहता, इन पंक्तियों से शुरू करूंगा और समर्पित करूंगा माननीय मोहन भागवत जी को कि खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का रास्ता, तुम्हें अमन का शांति का वास्ता। माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है, मैं बतौर भारतीय मुसलमान उनके साथ इस बात पे खड़ा होने को तैयार हूं जोड़ने का है। उनने कहा हमारे भारत के पूर्वज केवल एक हैं, मैं कहता हूं पूरे विश्व भर के जो हमारे पूर्वज हैं वो एक ही। लेकिन आज मैं इसी मंच पे शुक्ला जी के सामने, बाकियों के सामने साबित कर दूंगा कि कौन सच्चा है, हम लोग सच्चे हैं कि आप लोग सच्चे हैं। अब आप देखिए बात क्या है, मोहन भागवत जी ने जो कहा ठीक है जनाब, तो आज एक चीज करते हैं, आ गए आप अपनी लाइन पर, का नाम बोल रहे थे झगड़ा नहीं करना चाहता हूं, लाइन पर आने में एक मिनट लगा, कहानी खत्म। नहीं नहीं दीपक भाई, आज से लव जहाद कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, जो मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है वो करे, क्योंकि जब मोहन भागवत जी ने आज खुद कहा है कि हमारे सबों के पूर्वज एक हैं, तो लड़ाई झगड़ा किस बिल्कुल करे, बिल्कुल करे, स्पेशल मैरिज एक्ट ले और करे, आज के कोई दिक्कत नहीं है, माजिद हैदरी जी स्पेशल मैरिज एक्ट अपनाए और करे। नहीं देखिए स्पेशल मैरिज की बात मत कीजिए, जब दिल मिल रहे हैं तो उस कंडीशन मत रखिए। मोहन भागवत जी खुद कह रहे हैं प्रागेराज आज से नहीं कहेंगे, आज सब मंच पे जो है वो इलाहाबाद, फिर आप भी कंडीशन मत रखिए ना, आपके हिसाब से तो गैर गैर मुस्लिम लड़की मुसलमान से शादी कर ही नहीं सकती, तो फिर आप बोलेंगे धर्म परिवर्तन। पूरे विश्व के पूर्वज हजरत आदम अलैहि सलाम, ये हमारा ईमान है, पूरे विश्व के वासुदेव कुटुंबकम सबों के पूर्वज हजरत आदम अलैहि सलाम है, हम तो मानते हैं, हम तो कह रहे हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ा आज से बंद। क्या बीजेपी वाले आरएसएस वाले मेरी बात मानने को तैयार है? हो गया सामने, देश के सामने आज मैंने, सबों का हिसाब बराबर हो जाएगा, आज असलियत पता चलेगी कौन सच्चा है कौन झूठा है। बताइए सबों के पूर्वज एक और आगे ना कोई ठीक है की सवाल यही से प्रेम शुक्ला जी बताइए, प्रेम शुक्ला जी बताइए, उन्होंने बता दिया सबके पूर्वज कौन है जी, हजरत आदम अलैहि सलाम है हमारा ईमान है जी, हमारे सबके पूर्वज तो मनु और सतरूपा है। देखिए जो मनुष्य है, मनुष्य शब्द जो है जो सनातन से निकला है, वेदों से निकला शब्द है, वेदों से निकला शब्द जो है वो मनु है, मनु और सतरूपा सबके जो है आदि पुरुष है, सबसे पहला जो मनुष्य है वो मनु है, पहली जो नारी है वो सतरूपा है, मनु के जो पुत्र हैं वो मनुष्य है और मनु की जो पुत्रियां हैं वो मानवी हैं। तो ऐसे में जो है सारा जो झगड़ा है, आप कृपा करके मुझे बता दीजिए अरब के लोगों से जहां से आदम हुआ का किस्सा लेके आते हैं, क्या इनका डीएनए अरब के लोगों से मिलता है? दलितों के खिलाफ है, माजिद हैदरी जो है अपना डीएनए टेस्ट करा ले और पता लगा ले कि मक्का के लोगों से इनका डीएनए मिलता है क्या, तो आप अफ्रीका के लोगों से इनका डीएनए मिलता है? पूरा मौका दिया मैंने, प्रेम शुक्ला जी पूरा मौका दिया और बात करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है।